dear students, how are you all? I hope all of you will be fine at their home in this COVID pandemic. So in today's class, we will make this shadow painting. You can see this shadow painting. So for making this painting, material which we required, I'm using here these artistic acrylic colors. Flat brush, earbuds, watercolors, and these acrylic colors. If you don't have these colors, you can use these fabric colors also. So let's get started. So firstly, आपको जो है वाटर कलर के साथ थोड़ा सा स्काई को पेंट करना है. बहुत ही लाइट शेड आपको पेंट करना है स्काई का, बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है. पूरे पेपर को थोड़ा सा वेट करके, थोड़ा गीला करके, उस पर थोड़ा सा लाइट लाइट शेड कहीं कहीं पर स्काई का थोड़ा सा बनाना है आपको. स्काई ब्लू कलर का यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वाटर कलर के साथ. जब आपका पेपर थोड़ा ड्राई हो जाए उसके बाद हमको तीन कलर मैंने यहाँ पर यूज कर रही हूँ, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर. आप कोई भी थ्री कलर्स आप यूज कर सकते हैं. अब हम इनको, इन कलर्स से हमको ट्रीज बनाने हैं और उसके लिए मैं यहाँ पर ईयरबड्स जो होती हैं उनका यूज कर रही हूँ. इस तरह से आपको ट्रीज की शेप देनी है थोड़ी. तीनों कलर्स को आपको सेम प्रोसेस में ट्री बनाने हैं. ये थ्री ट्रीज हमने बनाए हैं थोड़ी ट्राइंगल शेप की. ऐसे 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 करके आपको इन ट्रीज की शेप बनानी है. अब उसके बाद हमने यहाँ पर एक ब्रश लिया है, थोड़ा ड्राई ब्रश है, एकदम ड्राई ब्रश आपको यूज करना है यहाँ पर, ड्राई ब्रश. और थोड़ा हार्ड है ये, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी शेडो बनानी है. शेडो बनाने के लिए आप, या तो अगर आपके पास ये वाला कोई इस तरह का ब्रश नहीं है तो आप टूथ ब्रश भी यूज कर सकते हैं. अब आपको इस तरह से इसकी शेडो डालनी है. शेडो, अब हमने तीनों ट्रीज की शेडो ऐसे ऐसे करके ब्रश से बनाई है. अब थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे व्हाइट कलर के साथ. व्हाइट कलर के साथ थोड़ा सा, बहुत केयरफुली आपको यूज करना है व्हाइट कलर क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क कलर हैं. तीनों ही कलर का जो शेड है वो डार्क है, तो थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करेंगे तो अच्छा बनेगा. कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे शेड आपको डालना है like this. अब ब्लैक कलर के साथ ट्रीज को हम हाईलाइट करेंगे. ट्रीज की थोड़ी ब्रांचेस बनानी है आपको कहीं कहीं पर. थोड़ा सा ब्लैक कलर के साथ बहुत केयरफुल यूज करना है. ब्लैक कलर आपको बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है और बहुत कम भी नहीं यूज करना है. और ये आपकी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है. शेडो पेंटिंग इसको हम कहते हैं. एक्रेलिक कलर्स का मैंने इसमें यूज किया है. आप चाहें तो फैब्रिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं. फैब्रिक के अलावा वाटर कलर में ये पेंटिंग नहीं, इफेक्ट नहीं आएगा ये वाला. I hope you have enjoyed.
enjoyed this